एवरीवन, वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस क्विक लॉ कॉन्सेप्ट सीरीज, क्विक लेक्चर सीरीज नंबर 2। इन दिस वीडियो मैं बात करने जा रही हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ की, डिफरेंस बिटवीन सिया एंड सुन्नी लॉ अबाउट मैरिज, डॉवर एंड डिवोर्स। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो सिया एंड सुन्नी सेक्ट है मुस्लिम लॉ, मुस्लिम मोहम्मदन रिलीजन के, उनके मैरिज, डॉवर और डिवोर्स में क्या अंतर है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं बता दूं कि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में तो हमें पर्सनल लॉ पढ़ना ही पड़ता है, हम कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, पढ़ना पड़ता है, पर जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मीन्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु आर मुस्लिम, हु आर सिया एंड सुन्नी, वाई देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिया एंड सुन्नी, उनके मैरिज में, उनके मेहर में, उनके तलाक में क्या डिफरेंस है। तो मैंने ये वीडियो बनाया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के, उनको एनालाइज करके और उस पर बेस करके मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने इसमें डाले हैं कि अगर एग्ज़ाम में आप एज इट इज़ लिख देते हैं इसे, इफ सिर्फ ये पॉइंट्स भी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर सिर्फ वो सिया के बारे में पूछेंगे तो आप ये जो पॉइंट्स में दिए हैं आप उसे लिख सकते हैं, वो सुन्नी के बारे में लिखे हैं तो आप सिर्फ वो जो पॉइंट दिए हुए उनमें लिख सकते हैं, और कंपेरिजन आएगा तो आप दोनों को लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कहीं नहीं लिखना होता है। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। ये जानने से पहले कि सिया सुन्नी की मैरिज में, मेहर में और डिवोर्स में क्या अंतर है, पहले हम जान लेते हैं हु आर मुस्लिम, मुस्लिम कौन है। तो मुस्लिम फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ दो टाइप के होते हैं, मुस्लिम बाय बर्थ और ओरिजिन। जो बाय बर्थ होते हैं, ओरिजिन से होते हैं, वो एक मुस्लिम होते हैं, और दूसरे जो बाय रिलीजन और कन्वर्जन से, जो कन्वर्जन से जो बदल के अपना, जो कभी पहले वो हिंदू थे या ज्यूइश से क्रिश्चियन से बदल के अगर आते हैं, कन्वर्जन करते हैं, अपना रिलीजन बदलते हैं अपना, तो वो हिंदू हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू शरियत लॉ इवन इफ वन ऑफ द पेरेंट्स इज मुस्लिम द चाइल्ड विल बी मुस्लिम। शरियत लॉ ये कहता है कि अगर एक भी पेरेंट, इधर माँ और बाप में से कोई भी पेरेंट्स अगर मुस्लिम है तो जो बच्चा होता है वो मुस्लिम होता है। तो अभी थोड़ा जान लेते हैं व्हाट इज़ इस्लाम। इस्लाम क्या है? रिलीजन टॉट बाय प्रॉफिट मोहम्मद इज़ इस्लाम। जो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो रिलीजन हमें मोहम्मदन को दिया है उसे हम इस्लाम कहते हैं। इस्लाम का जो अरेबिक मीनिंग है ये सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड एंड द, और अगर हम इसे लिटरल मीनिंग में लेते हैं तो इसका मतलब होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस एवरीवेयर। द रिलीजन ऑफ इस्लाम जो है वो इशेंशली मोनोथेस्टिक है। मोनोथेस्टिक मतलब कि उनके सिर्फ एक गॉड होते हैं, वो पूरा रिलीजन वो एक गॉड को मानता है, जैसे कि जूस में होता है और क्रिश्चियन में होते हैं, वो उनका मेन, उनके मेन भगवान जो होते हैं उन्होंने एक है, और उन्होंने जो कहा है उसे होली बुक में, उनके कुरान में उसमें लिखा गया है, उन्होंने जो भी कहा है प्रोफेट मोहब्बत से वो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है, तो ये उनकी होली बुक होती है। सो अब बात करते हैं कि मुस्लिम को आगे डिवाइड हो गए सिया सेक्ट में, जब पूरा मोहम्मदन रिलीजन एक है तो सिया सेक्ट क्या है, सिया सेक्ट क्या, मुस्लिम सुन्नी सेक्ट क्या है। तो ये कुछ नहीं है, जब प्रॉफिट मोहम्मद जब का निधन होता है, जब वो उनकी डेथ होती है तो खलीफा सिस्टम चलता है, तो जब तीन खलीफे बन जाते हैं और उनके बाद बहुत लड़ाई झगड़ा सब होता है, तो जो सिया सेक्ट है वो कहती है कि जो खलीफा का जो पोजीशन है इट हैज़ टू बी हेरिडेटरी होना चाहिए, उनके रिलीजन को ही मिलना चाहिए, उनके रिलेशन को मिलना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉफिट के करीब थे तो उन्हें ही मिलना चाहिए। उनका ये मानना था कि जो खलीफा का जो पोजीशन है वो हेरिडेटरी होना चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड सुन्नी कहते थे कि नहीं, ये जो खलीफा थे वो प्रॉफिट के बहुत करीब थे, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो हेरिडेटरी होने चाहिए, ये तो इलेक्टेड होने चाहिए, जो फेथफुल है प्रॉफिट के वो जिसे इलेक्ट करेंगे, जिनको जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेगा उसे बनाना चाहिए, तो वो इलेक्शन पे फोकस करते थे, और ये है, और सिया जो थे वो हेरिडेटरी बनाने पे फोकस करते थे, और इसी के बाद ये दोनों डिवाइड हो गए। तो सिया खलीफा के पोजीशन को हेरिडेटरी मानते हैं, और जो सुन्नी है वो उसे कहते हैं कि इलेक्टेड होना चाहिए, बस ये डिफरेंस है दोनों में। और उसके बाद थोड़े थोड़े डिफरेंस इनके मैरिज में भी आ गए, डॉर के सिस्टम में भी आ गए, इनहेरिटेंस में भी डिफरेंस आ गए, और डिवोर्स में भी आ गए। तो चलते हैं आगे। तो पहले मुस्लिम लॉ क्या है, व्हाट इज़ मुस्लिम लॉ, अरे आई एम सॉरी, व्हाट इज़ मैरिज इन मुस्लिम लॉ, इट इज़ कॉल्ड निकाह। निकाह क्या है? निकाह इज डिफाइंड एज ए कॉन्ट्रैक्ट, इज
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. मैरिज इन मुस्लिम लॉ अनलाइक हिंदू लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. इन हिंदू लॉ इज अ सैक्रामेंट, इज अ रीयूनियन ऑफ टू सोल, बट इन मुस्लिम लॉ इट इज प्योरली अ कॉन्ट्रैक्ट एंड विच हैज फॉर इट ऑब्जेक्ट द प्रोक्रिएशन एंड द लीगलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रेन. इसका ये मतलब है कि इनका मेन मोटिव है कि जनरेशन को आगे बढ़ाना, प्रोक्रिएशन करना, और जो बच्चे जिस उस वेडलॉक से जो बच्चे पैदा हों उनकी लीगलाइजेशन, उनकी पैटर्निटी लीगल तरीके सब कुछ हो. इनका मेन ऑब्जेक्ट ये होता है शादी का. तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस. द प्रपोज इन सुन्नी लॉ द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस नीड नॉट बी एनी पर्टिकुलर फॉर्म, नीड नॉट बी एनी पर्टिकुलर फॉर्म. फॉर्म में नहीं है, आप कैसे भी प्रपोजल दे सकते हैं, एक्सेप्टेंस कैसे भी दे सकते हैं, आपको उसमें कोई तरीका नहीं होना चाहिए. बस एक कंडीशन है कि एक्सेप्टेंस, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस दोनों एक समय पे ही देनी चाहिए, एक समय पे ही होनी चाहिए. अभी आपने प्रपोजल दिया तो ये नहीं कि आप तीन दिन बाद किसी और जगह पे उसका एक्सेप्टेंस दें. नहीं, अभी प्रपोजल हुआ है, एक्सेप्टेंस आपको अभी भी देना पड़ेगा, और ये दोनों सेक्ट में ही वैलिड है. पर सिया लॉ में प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बाई यूज ऑफ टर्म तौफीज ऑफ निकाह. ये टर्म है इनका और इनको इसी टर्म में ही बोला जाइए, तभी जाके ये वैलिड होता है. नेक्स्ट कम टू द सेकेंड वन. मैरिज विदाउट इंटेंशन और अंडर कंपल्शन इज वैलिड, सच मैरिज इज वॉइड. सुन्नी लॉ में क्या है कि अगर आपने इंटेंशनली मैरिज नहीं किए, इंटॉक्सिकेशन के अंदर किए या किसी कंपल्शन के अंदर शादी की है, तब भी वो शादी वैलिड मानी जाती है. पर सच शादियाँ सिया लॉ में इनवैलिड है, वॉइड मानी जाती है, मतलब वो शादी कोई होती ही नहीं है. नॉट सॉरी इज नॉट इनवैलिड इज वॉइड, वॉइड मीन्स वॉइड एब इनिशियो, मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं है. विटनेस सुन्नी लॉ में विटनेस जो है वो नेसेसरी है शादी के टाइम पे. टू मेल और वन टू मेल होने चाहिए, या तो फिर एक मेल एंड टू फीमेल होने चाहिए. पर जो सिया लॉ है उनको शादी के समय उन्हें विटनेस की कोई ज़रूरत नहीं होती, पर हाँ तलाक के समय इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी. सुन्नी लॉ में तलाक के समय विटनेस की ज़रूरत नहीं होती है. और मुस्लिम मैन में मैरी एंड नॉन मुस्लिम किताब या फीमेल, सुन्नी लॉ में और सिया लॉ में क्या है कि नाइदर मेल और नॉर फीमेल कैन मैरी ए नॉन मुस्लिम एक्सेप्ट मुटा मैरिज. मतलब जो सुन्नी लॉ में है जो मुस्लिम मैन है वो नॉन मुस्लिम किताब या फीमेल, किताब या फीमेल क्या होती हैं जो कि बुक में बिलीव करती है, मोनोथियस्टिक में बिलीव करती हैं ना, जो कि जैसे कि आइडोल्ट्रेस नहीं होगी, जो मूर्ति पूजा करती होगी या फिर फायर की पूजा करती होगी वो नहीं, जिनका मेन रिलीजन किताब है, जैसे सिख है आपका, जुइज है, क्रिश्चियन है, तो ये किताब को मानते हैं. ये किताब, इनकी पूजा किताब से होती है, इन कुरान की जैसे. तो जो एक मुस्लिम मेल होता है वो इनसे शादी कर सकता है, दे आर कॉल्ड एज किताब या फीमेल. और ये कौन कौन सी किताबें फीमेल कौन कौन नहीं होती हैं, आइडोल्ट्रेस और फायर वर्शिपर, जो मूर्ति पूजा करती हैं और जो हवन करती हैं, आग की पूजा करती हैं, तो ये इनसे वो मेल शादी नहीं कर सकते मुस्लिम में. सुन्नी लॉ में सिया में मेल और फीमेल दोनों ही नॉन मुस्लिम में शादी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट मूटा मैरिज. मूटा मैरिज ये टाइप ऑफ टेम्प्रोरी मैरिज होती है, जब कभी भी मुस्लिम बाहर जाया करते थे अपने काम के लिए, पहले के ज़माने में कहीं भी जाया करते थे तो उनको अलाउ होता था कि वो टेम्प्रोरी मैरिज कर लें, एक दिन की मैरिज, दो दिन की मैरिज, तीन दिन की मैरिज, चार दिन की मैरिज. पर ये सुन्नी लॉ में वैलिड नहीं है, पर सिया लॉ में ये वैलिड है, कम्प्लीटली वैलिड है मूटा मैरिज. अ पीरियड ऑफ इद्दत इज थ्री कोर्स इन द केस ऑफ मेंसुरेटिंग एंड थ्री लूनर मंथ्स इन केस ऑफ नॉन मेंसुरेटिंग वाइफ. इन सुन्नी लॉ सिया लॉ में क्या है, द पीरियड इज थ्री थुर इन द केस ऑफ मेंसुरेटिंग एंड 78 डेज इन द केस ऑफ नॉन मेंसुरेटिंग वाइफ. अब इद्दत क्या है, इद्दत वो पीरियड है जब आपकी मैरिज डिजॉल्व हो जाती है, जबकि आपकी मैरिज खत्म हो जाती है, या तो वो तलाक देने से खत्म हो या तो वो मर जाने से खत्म हो आपके हस्बैंड की. तो वो पीरियड जो एक वाइफ अपनी शादी खत्म होने के बाद मैंडेटरी उसे निभानी ही पड़ती, उस बीच वो ना शादी कर सकती, वो कुछ नहीं कर सकती है. इसलिए नहीं कर सकती है कि मे बी अगर आप प्रेग्नेंट हो तो बच्चे की पेटर्निटी के लिए, लेजिटिमेसी के लिए वो सब कुछ सही रहे. तो कुछ पीरियड बनाए गए मुस्लिम में, इस पीरियड में मुस्लिम वीमेन शायद शादी नहीं कर सकती हैं दोबारा किसी भी केस में. तो इस पीरियड को इद्दत का पीरियड कहते हैं. तो जब मुस्लिम मैरिज पीरियड में मुस्लिम सुन्नी लॉ में अगर आपकी अगर वाइफ मेंसुरेटिंग है, उसकी उनकी एज अभी मेनोपॉज उनको नहीं हुआ है, वो स्टिल मेंसुरेटिंग है, तो थ्री कोर्स मीन्स पीरियड्स, फिर गैप बिटवीन पीरियड थुर
then period, then gap between two period is thur and three course. But अगर वाइफ मेंस्युरेटिंग नहीं है, मतलब पेनोपॉज हो गया है किसी और रीजन से, मे बी ऑपरेशन से, जो भी मेंस्युरेटिंग नहीं है, तो सिर्फ थ्री लूनर मंथ लगातार 1-2-3 मंथ ऑफ उसका इधर पीरियड खत्म हो जाता है सुन्नी लॉ में. पर सिया लॉ में अगर मेंस्युरेटिंग वाइफ है थ्री थ्रू, मतलब थ्रू इज टाइम पीरियड बिटवीन टू मेंस्युरेशन. मेंस्युरेशन वन जैन में मेंस्युरेशन आया, फिर जो बीच में गैप रहा दूसरे मेंस्युरेशन जो फरवरी में आएगा उस पीरियड को थुर कहते हैं. द थ्री थुर पीरियड इन केस ऑफ मेंस्युरेटिंग एंड 78 डेज इन केस ऑफ नॉन मेंस्युरेटिंग वाइफ. इद्दत ऑफ ए वुमेन, वुमेन इज प्रेग्नेंट इवन इफ बाय जिन्ना एक्सटेंड टिल डिलीवरी. इफ प्रेगनेंसी बाय जिन्ना एंड तलाक इज प्रोनाउंड द पीरियड इज ओनली मंथ एंड मंथ्स एंड इज नॉट एक्सटेंडेड टिल डिलीवरी. जो वुमेन अगर वो प्रेगनेंट है, प्रेग्नेंट है, तो उसको अगर वो जिन्ना से भी प्रेग्नेंट है तो टिल डिलीवरी उसको इद्दत को फॉलो करना ही पड़ेगा. और अगर वो प्रेग्नेंट है और उसके बीच तलाक प्रोनाउंस कर दिया जाता है तो जो पीरियड होगा उसे 3 मंथ्स का करना होगा, ना कि टिल डिलीवरी. सुन्नी लॉ में क्या है कि अगर वो वंस वो प्रेग्नेंट है तो उसको जब तक डिलीवरी नहीं हो जाएगी तब तक इद्दत पीरियड फॉलो करना ही पड़ेगा. पर सिया लॉ में ऐसा नहीं है. अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपके पति ने डाइवोर्स प्रोनाउंस कर तलाक प्रोनाउंस कर दिया है तो 3 महीने तक ही आपको बस करना होगा, टिल डिलीवरी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. इन सुन्नी लॉ इद्दत कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ और डिवोर्स एज द केस मे बी इवन दो द वाइफ मे हैव नो नॉलेज ऑफ इट. सुन्नी लॉ में क्या होता है कि जैसे ही मैरिज डिजॉल्व होती है, डेथ से हो या डिवोर्स से हो, जो जो इद्दत का पीरियड स्टार्ट होगा वो उसी दिन से होगा. मानिए जिस दिन 1 जनवरी को आपके हस्बैंड मरे तो 1 जनवरी से ही इद्दत पीरियड स्टार्ट हो जाएगा. 1 जनवरी को प्रनाउंस किया कि नहीं मैं तलाक दे रहा हूँ तो 1 जनवरी से ही स्टार्ट होगा. वेदर वाइफ को उसका नॉलेज हो या नहीं हो कि मुझे मेरा हस्बैंड मर गया है, मुझे डिवोर्स दिया गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपको अगर 2 महीने बाद ही वैसे लगा तो इद्दत पीरियड आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका होगा. बट सिया लॉ में ऐसा नहीं है. इन द केस ऑफ डेथ इन द एब्सेंस ऑफ वाइफ्स नॉलेज इद्दत विल बी कमेंस व्हेन शी रिसीव द न्यूज़ ऑफ डेथ. ठीक है, अब सिया लॉ में क्या कह रहे हैं कि अगर इन द केस ऑफ डेथ अगर हस्बैंड मर जाता है तो वाइफ को अगर नॉलेज नहीं है कि उसका हस्बैंड मर गया है तो जिस दिन उसे न्यूज़ मिलेगी कि उसका पति मर गया, जैसे कि 1 जनवरी को मरा, न्यूज़ मिली उसको 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी से ही स्टार्ट होगा, 1 फरवरी से ही स्टार्ट होगा आपका इद्दत का पीरियड. In the case of divorce, if the wife does not know the exact time of divorce, iddat would commence from the time when tiding reach hai. अगर उसको डिवोर्स दिया गया उसे एग्जैक्ट टाइम पता नहीं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कब दिया है डिवोर्स, जब उसे पता चलेगा कि डिवोर्स मुझे मिला, जब उसे ये पता चलेगा, ये नॉलेज में आएगा कि हाँ मुझे इस टाइम से उसने डिवोर्स दिया है, तो उस टाइम से उसका इद्दत का पीरियड स्टार्ट होगा. 8th point is that fresh iddat must be observed in the case of death of the husband during the period in which the wife is observing iddat even for irrevocable talaq. अगर wife already iddat period में जा रही है, उसे तलाक उसके husband ने दे दिया है और irrevocable talaq है, वो उसमें iddat follow कर रही है, पर उसी बीच अगर husband की death हो जाती है तो उसे फिर से जिस दिन से death हुई है उस दिन से फिर से iddat का जो period है उसे follow करना पड़ेगा सुन्नी law में. पसिया लॉ में ऐसा नहीं है. नो फ्रेश इद्दत इज नेसेसरी इन विच वाइफ इज ऑब्जर्विंग इद्दत फॉर इरिवोकेबल तलाक. अगर वाइफ ऑलरेडी इद्दत पीरियड फॉलो कर रही है, इरिवोकेबल तलाक के लिए ऑब्जर्व कर रही है, तो फिर से फ्रेश इद्दत नहीं है ज़रूरी है. ठीक है, मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज इहराम बोलते से टू मक्का इज वैलिड. इसका क्या मतलब है कि जब पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं मोहम्मदन कोई भी, और तो सुन्नी लॉ में अगर ड्यूरिंग दैट पिलग्रिमेज इहराम एक ड्रेस है, तो पिलग्रिमेज में जाते हैं आप, उस सिचुएशन में रहते हैं, तो आप वहाँ चाहें तो शादी कर सकते हैं और उनके लिए वो वैलिड होता है. अगर आप गए हैं मक्का पे गए हैं और वहाँ पे आपको शादी करनी और आपने कर ली है तो वो वैलिड मैरिज हो जाती है. पर सिया में ऐसा नहीं है. मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज वाइल इन पिलग्रिमेज ड्रेस इज प्रोहिबिटेड. उनके हैं ये प्रोहिबिटेड है, उनके ये अलाउ नहीं है सिया में कि अगर पिलग्रिमेज पे गए हैं आप मक्का और वहाँ पे आप शादी कर लें. ए मैरिज विद ए वुमेन अंडर गोइंग इद्दत डज नॉट परपेचुअली प्रोहिबिट मैरिज बिटवीन द पार्टी.
ठीक है, सुनी में क्या है कि अगर कोई वुमेन इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व कर रही है तो उसकी भी जो है शादी नहीं करनी चाहिए, पर किसी ने शादी कर ली है ड्यूरिंग द पीरियड, तो जब वो पीरियड ख़त्म होगा तो वो शादी वैलिड मान ली जाएगी। अगर सब कुछ वो लोग कंटिन्यू करते हैं तो शादी वैलिड मान ली जाएगी, पर ऐसा केस इसमें सिया के लॉ में नहीं है। अगर कोई मैरिज अगर कोहैबिटेशन कर लेते हैं इद्दत के पीरियड में, ये जानते हुए कि जो विमेन है वो इद्दत पीरियड में जा रही है, तो उनकी जो यूनियन है वो हमेशा के लिए प्रोबिडेट हो जाती है, वो फिर आगे वो वैलिडली शादी उनकी नहीं मानी जाती है। मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाई अ माइनर हु हैज़ अटेंड डिस्क्रेशन इज ओवर इरेगुलर। अगर मुस्लिम सुन्नी लॉ में अगर कोई माइनर है और उसके बहुत सोच समझ शक्ति उसके पास है और उसने शादी कर ली है, तो वो सिर्फ वो मेर इरेगुलर होगा, वो ना वॉइड होगा ना कुछ होगा, बस इरेगुलर होगा, कुछ डिफेक्ट हट जाएंगे तो वो वैलिड हो जाता है। पर शिया लॉ में कोई भी एक्ट बिफोर प्यूबर्टी एंड डिस्क्रेशन इज वॉइड। सुन्नी लॉ में टेम्प्रेरी मैरिज परमिटेड नहीं है, वहीं पे शिया लॉ में टेम्प्रेरी मैरिज परमिटेड है। मैंने बताया ही मूटा मैरिज है जो कि 1 दिन की भी होती है, 2 दिन की भी होती है, 3 दिन की भी होती है। 13 पॉइंट इज वैलिड रिटायरमेंट अमाउंट टू कंज्यूमेशन ऑफ फॉर मैनी पर्पज। अब वैलिड रिटायरमेंट क्या है ये जानना जरूरी है। मुस्लिम लॉ कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज क्योर डिफिशियंसीज ऑफ द फॉर्मेलिटीज व्हेन द हस्बैंड एंड द वाइफ आर अलोन टुगेदर अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हिच रिप्रेजेंट नो लीगल मोरल एंड फिजिकल इम्पीडमेंट टू मैरिटल इंटरकोर्स दे आर सेट टू बी इनवैलिड रिटायरमेंट। ए वैलिड रिटायरमेंट रेजेज अ प्रिजम्पशन ऑफ कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। सर क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि अगर आपने कोई शादी की है जो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ वैलिड नहीं है, इरेगुलर है, कुछ डिफिशियंसी है, पर अगर हस्बैंड वाइफ साथ में रह लेते हैं और मैरिटल रिलेशन बना लेते हैं, मैरिटल को इंटरकोर्स कर लेते हैं और कोई भी शक नहीं है, डाउट नहीं है कि वो अच्छे से रह रहे हैं, सारे मैरिटल ऑब्लिगेशन वो फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक वैलिड रिटायरमेंट हो जाता है कि नहीं चलो अब कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो गई है तो बाकी चीज़ों के लिए भी इसे वैलिड मान लिया जाए। सुन्नी लॉ में ऐसा होता है, अगर इरेगुलर मैरिज है कुछ और शादी हो गई, चीज़ें सही से चलने लगी है, तो ये वैलिड रिटायरमेंट होता है कि जो डिफिशेंसी क्योर हो गई है। पर शिया लॉ में इसे कोई सब्स्टिट्यूट कंज्यूमेशन के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं माना जाता है वैलिड रिटायरमेंट। रिगार्डिंग गार्जियनशिप इन मैरिज द लिस्ट इंक्लूड फादर पेटर्नल ग्रैंड फादर मदर ब्रदर एक्सेट्रा एंड गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्या है कि जब बच्चा अगर माइनर है या फिर उसके पेरेंट्स नहीं है और गवर्नमेंट ने गार्जियन अपॉइंट किया है, तो या गार्जियन नहीं भी अपॉइंट किया है, तो सुन्नी लॉ में फादर दे सकता है मैरिज में, या जब्बार बोला जाता है इस्लामिक टर्म में, फादर पेटर्नल ग्रैंड फादर मदर ब्रदर एंड गवर्नमेंट दे सकती है मैरिज में माइनर को, पर शिया लॉ में ओनली फादर एंड पेटर्नल ग्रैंड फादर हाउ सो एवर दे सकते हैं मैरिज में और कोई नहीं दे सकता है। तो ये रहा, ये 14 पॉइंट है मैरिज का। डिफरेंस बिटवीन सुन्नी एंड शिया लॉ मोर देन सफिशियंट है। अगर आपने पूरा लिख लिया है, आप सुन्नी के बारे में समझ गए हैं, शिया के बारे में भी समझ गए हैं। अब चलते हैं डॉवर मेहर। ये पिकुलर कॉन्सेप्ट है जो एक्सक्लूसिवली मुस्लिम लॉ में है। डॉर क्या होता है? इट इज़ अ सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी प्रोमिस बाई हजबेंड टू बी पेड और डिलीवर्ड टू द वाइफ इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। क्या मतलब है? जब मुस्लिम जब मैरिज होती है तो पहले ही कहा कि इसे कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कंसिडरेशन ऑफ मैरिज के लिए वाइफ को हजबेंड सम ऑफ मनी देता है या अदर कोई प्रॉपर्टी देता है, प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें शादी के समय दूंगा। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन इम्पोज अपॉन हजबेंड एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वाइफ। इट इज़ नॉट ए ब्राइट प्राइज और ए फॉर्म ऑफ डॉरी। ठीक है, इसका ये कहने का मतलब है कि ये एक मोहम्मदन लॉ ने एक ऑब्लिगेशन हस्बैंड पे दी है अपने वाइफ को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए कि आप हमसे शादी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो उसके उस आपके राइट को, आपके रिस्पेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए हम आपको कुछ सम दे रहे हैं। और ये ना ही ब्राइट प्राइज होती है, मतलब ये कोई ब्राइट प्राइज नहीं है, ना ही ये डॉरी है। तो ये बहुत पिकुलर है मुस्लिम लॉ के कि वाइफ को ये मेहर मिलती है। तो मेहर भी दो टाइप की होती है, स्पेसिफाइड एंड
प्रॉपर मेहर, स्पेसिफाइड मेहर वो होती है जो एट द टाइम ऑफ मैरिज, जैसे एक मैरिज के एक कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम में, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उस वक्त वो हम स्पेसिफाई करते हैं कि कितना अमाउंट देना है, कैसे देना है, शादी के समय देना है, शादी के तो शादी के पहले देना है, शादी के टाइम देना है, शादी के बाद देना है। स्पेसिफाइड और भी टू टाइप की होती है, प्रॉम्प्ट होती है, डिफर होती है। प्रॉम्प्ट तुरंत शादी के समय दी जाती है, डिफर शादी के बाद भी दी जाती है या फिर तलाक पे एक्सेट्रा इस तरह जाता है। और प्रॉपर प्रॉपर डॉर क्या है, प्रॉपर डॉर इज अ कस्टमरी डॉर, उसमें कोई हम फिक्स नहीं करते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज की कैसे डॉर देना, कितना देना। पर जो कस्टमरी लॉ चला आ रहा है, फीमेल की फैमिली जितनी फीमेल जो ब्राइड ग्रूम है उसकी फीमेल जितने भी रिलेशन उन्हें कितनी उनकी शादी पे दी गई है, तो उस हिसाब से कस्टम के हिसाब से वो निकाल फिक्स करके देते हैं। ठीक है, डॉर समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या डिफरेंस है सुन्नी और शिया लॉ में डॉर को लेके। मिनिमम लिमिट ऑफ 10 दिराम इज प्रिस्क्राइब फॉर स्पेसिफाइड डॉर, नो मिनिमम लिमिट इज प्रिस्क्राइब। अभी स्पेसिफाइड डॉर मैंने बताया कि फिक्स करते हैं हम एट अ टाइम ऑफ मैरिज। तो सुन्नी लॉ में क्या है कि कम से कम 10 दिराम तो आपको देना ही देना है, पर शिया लॉ में नो लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड, कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है कि आप कितना भी कम, आप एक दिराम भी दे सकते हैं। देर इज़ नो लिमिट टू प्रॉपर प्रॉपर डॉर। आप सुन्नी लॉ में प्रॉपर डॉर की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी दे सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने डॉर में। प्रॉपर डॉर कैन नॉट एक्सीड 500 दिराम। शिया लॉ में 500 दिराम से ज़्यादा आप प्रॉपर कस्टमरी डॉर में नहीं दे सकते हैं। वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्रॉफिट की बेटी थी फातिमा, उनकी शादी हुई थी, तो उनकी शादी में 500 दिराम दिए गए थे। तो एज ए रिस्पेक्ट की उनकी बेटी को जब इतना मिला तो हम उससे ज़्यादा कैसे दे सकते हैं, इसलिए वो कभी भी वो नहीं कहते हैं कि 500 दिराम से ज़्यादा देनी चाहिए। ठीक है, तीसरे पे आते हैं, देर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट फॉर स्पेसिफिक डॉर। स्पेसिफिक डॉर में मतलब जो हम फिक्स करते हैं कि आप कितना भी दे सकते हैं, आपको कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं, वो आपकी श्रद्धा पे है, आपकी कैपेसिटी पे है, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिक्सिंग और डॉर एक्सीडिंग वगैरह इज कंसिडर एबोमिनेबल दो नॉट इलीगल। मतलब अगर आप सीएल लॉ में क्या है कि आपको नहीं देना चाहिए उनके हिसाब से, पर अगर आप दे देते हैं तो कोई बात नहीं, पर उसे इलीगल तो नहीं मानते हैं वो लोग, पर यह है कि उसे दे जरूर, उनके हिसाब से उसे देना नहीं चाहिए, उसे वो सही नहीं मानते हैं। ठीक है, अब आइए, इफ़ द मैरिज इज डिजॉल्व बाय द डेथ एंड द डॉर हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड और इट इज एग्रीड दैट नो डॉर शैल बी पेबल, द प्रॉपर डॉर वुड ड्यू वेदर द मैरिज वॉज कंज्यूमेटेड और नॉट। जो मैरिज है सुन्नी लॉ में, जो फीमेल की जो मैरिज है वो डिजॉल्व हो जाती है और कोई भी स्पेसिफिक डॉर नहीं हम लोगों ने फिक्स किया है, या फिर ये हम लोगों ने एग्री किया था कि कोई भी डॉर नहीं दिया जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कस्टमरी डॉर है, प्रॉपर डॉर है, वो जब वो मरता है या फिर जो जो भी मरता है उस वक्त उन पर ड्यू हो जाती है, वैलिड, भले ही मैरिज जो है वो कंसुमेटेड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले ही उनके बीच में मैरिटल ऑब्लिगेशन, अरे मैरिटल रिलेशन इस्टेब्लिश हुए हो या ना हो, उससे फर्क नहीं, उन्हें डॉर मिलेगा। पर सिया लॉ में क्या है कि अगर मैरिज कंजुमेटेड नहीं है तो वो उसे कंज्यूमेंट नहीं है तो वो उसे डॉर देने की ज़रूरत नहीं है। एन एग्रीमेंट डैट नो डॉर शैल बी ड्यू इज वॉइड। सुन्नी लॉ में क्या है, अगर एग्रीमेंट कोई वाइफ है जो वो कर देती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो होता है अगर कि नहीं मैं तुम्हें डॉर नहीं दूंगा शादी के समय, हम बिना डॉर के शादी करेंगे, तो वो वॉइड होता है, मतलब उनका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा कोई एग्रीमेंट कोई वैल्यू ना बना भी लीजिए तो भी कोई फर्क ही नहीं है, आपको डॉर देना ही पड़ता है सुन्नी लॉ में। पसिया लॉ में क्या है कि अगर कोई सेन है और अडल्ट वाइफ है और वो अपनी मर्जी से कहती कि नहीं मुझे डॉर नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, बिना डॉर के ही हम शादी कर लेते हैं, तो उनके में परफेक्टली वैलिड होता है वो। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट ओनली अ रीजनेबल पार्ट ऑफ डॉर इज प्रेजेंट टू बी प्रॉम्प्ट। ठीक है, द होल डॉर इज प्रेजेंट टू बी प्रॉम्प्ट। अब अभी बताया था मैंने स्पेसिफिक डॉर में दो तरीके डॉर होते हैं, प्रॉम्प्ट एंड डिफर। प्रॉम्प्ट जो एट द टाइम ऑफ मैरिज दिया जाता है। तो सुन्नी लॉ में क्या है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि सारी की सारी जो अमाउंट है डॉर की वो तुरंत दी जाए, तो ओनली रीजनेबल अ पार्ट ऑफ डॉर, मतलब अभी मानिए 100 रुपये है तो 30-40 रुपये जो है वो प्रॉम्प्ट होंगे, बाकी वो डिफर्ड होंगे। डिफर्ड मतलब वो शादी के बाद या फिर तलाक के समय या डेथ होती है हस्बैंड की तो उस वक्त दिया जाएगा। तो ये पर सिया लॉ में क्या है कि
अगर कोई एग्रीमेंट है या एग्रीमेंट नहीं है तो पूरा पूरा डॉर प्रिज्यूम टू बी प्रॉम्प्ट, कि आपको तुरंत ही देना। अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया है आपने कि मुझे ये कि इतना अमाउंट प्रॉम्प्ट होगा, इतना अमाउंट डिफर्ड होगा, तो जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो शादी के तुरंत शादी के समय ही दिया जाएगा। और वाइफ चाहे तो वो उठ सकती है अपनी शादी की, नहीं जब तक मुझे मेरा डॉर का अमाउंट नहीं मिलेगा मैं निकाह नहीं करूंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मेहर के बारे में। ये जो सारे पॉइंट्स है इससे ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है, इतना आप लिख देंगे तो आपके लिए सफिशियंट है एग्ज़ाम में। चलिए अब आगे चलते हैं कि डिवोर्स तलाक में क्या डिफरेंस है। तो तलाक जो है सुन्नी में वो चार तरीके की होती है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस डिवोर्स, एक्सप्रेस तलाक, इम्प्लाइड तलाक, कंटीजेंट तलाक एंड कंस्ट्रक्टिव तलाक और डेलीगेटेड तलाक। पर जो सिया है वो सिर्फ एक्सप्रेस एंड डेलीगेटेड तलाक मानता है। तो सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ तलाक क्या है? एक्सप्रेस तलाक। एक्सप्रेस तलाक भी दो तरह की होती है, तलाक उस सुन्नत और तलाक उल बिद्दत। तलाक उस सुन्नत भी दो टाइप की होती है, अहसन तलाक और अहसन तलाक। तलाक उल बिद्दत दो टाइप की होती है, ट्रिपल तलाक और सिंगल इरिवोकेबल डिक्लरेशन। सो जो तलाक उल सुन्नत होती है वो इस तलाक उल सुन्नत जो है इट इज मीन दैट तलाक एज सैंक्शन बाई सुन्नत और ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट और कस्टमरी तलाक। तो तलाक उल सुन्नत है इसे कहा जाता है कि इसकी बैकिंग है, इसको प्रॉफिट जो ट्रेडिशन है जो सुन्नत है उसकी बैकिंग है कि प्रॉफिट के समय से चली जा रही है। ये कस्टमरी तलाक है। इसके भी दो फॉर्म होते हैं, अहसन और हसन। दो अहसन फॉर्म है वो मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज तलाक है। अहसन तलाक में क्या होता है कि दिस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स मेड ड्यूरिंग ए थुर। थुर मैंने बताया था पीरियड बिटवीन मेंसुरेशन और पीरियड ऑफ प्योरिटी फॉलोड बाई एब्सटिनेंस फ्रॉम सेक्शुअल इंटरकोर्स फॉर द पीरियड ऑफ इद्दत। दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन वाइफ हैज पास द एज ऑफ मेंसुरेशन और पार्टी हैव बीन अवे फ्रॉम ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम और व्हेन मैरिज हैज नॉट बीन कंजुमेटेड। तो ये क्या है कि ये सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ मैरिज है। इसमें सिंगल प्रोनाउंसमेंट होती है डिवोर्स का कि ड्यूरिंग ए थुर पीरियड प्योरिटी के पीरियड में किया जाता है। और उसके बाद उसके जब आप कह देते कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए तुमसे, तो उसके बाद जो उसका इद्दत का पीरियड होता है आप उस इद्दत के पीरियड में उसके साथ में आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हैं और हजबैंड वाइफ एक दूसरे को कोहैबिटेशन नहीं करते हैं। और जब वो पार हो जाता है तो आपका जो तलाक है, आपका जो डिवोर्स है वो प्रॉपर हो जाता है। द एडवांटेज ऑफ दिस फॉर्म इज दैट डिवोर्स कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ इद्दत पीरियड, दैट इज 19 मंथ 3 मंथ्स होते हैं, 90 डेज का होता है और उसके बाद पर यह इरिवोकेबल हो जाता है। तो ये इसलिए ऐसा रूल्स इसमें लाए गए हैं बिकॉज कि अगर आपने कोई हैस्टी में, गुस्से में, मोमेंट ऑफ पैशन में अगर आपने तलाक दे दिया है अपनी वाइफ को तो आप अपनी गलती समझ मान के उसे वापस से रिवोक कर सकें तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन वापस से हो जाएगा। तो इसलिए इसे बेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज मानी जाती है। अब अहसन तलाक क्या है? दिस कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग द सक्सेसिव थुर, नो इंटरकोर्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग एनी ऑफ 3 थुर्स। द मोमेंट द थर्ड प्रोनाउंसमेंट इज मेड द मैरिज स्टैंड डिजॉल्व इरिवोकेबली इरिस्पेक्टिव ऑफ इद्दत। अब इसमें क्या है, अहसन में आपने देखा क्या है, अब हसन में क्या है, ये भी अच्छे फॉर्म ऑफ मैरिज में तलाक में मानी जाती है कि इस तरह का तलाक अच्छा होता है कि 3 प्रोनाउंसमेंट करनी होती है हर एक थुर में। और जैसे ही तीसरा थुर होगा और तीसरे प्रोनाउंसमेंट आप करेंगे कि मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ, मैरिज इरिवोकेबल हो जाती है भले ही आप इद्दत का पीरियड फॉलो कर रहे हो या ना करो, उसे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही तीसरी बार आपने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ तीसरे थुर के टाइम में, तलाक इरिवोकेबल हो जाता है। अब तलाक उल बिद्दत क्या है? तलाक उल बिद्दत है इट मीन्स तलाक विच दो नॉट इनवैलिड, दो वैलिड विच दो नॉट इनवैलिड, दैट इज दो वैलिड इट इज ए सिनफुल और इरेगुलर, इट इज एन अनयूजुअल फॉर्म ऑफ तलाक। इट हैज टू फॉर्म, ट्रिपल तलाक और 3 डिक्लेरेशन एट वन टाइम एंड 1 इरिवोकेबल डिक्लेरेशन। जो सिया है, जो सिया लॉ है, अभी मैं आगे बताऊंगी आपको कि इस टाइप ऑफ तलाक उल बिद्दत को वो
तलाकुल बिद्दत को नहीं मानते हैं। तो देखते हैं दोनों के बीच डिफरेंस, देखते हैं। मैंने बता दिया आपको कि तलाक क्या है, तलाक कितने तरीके के होते हैं। सिया में सिर्फ एक्सप्रेस एंड डेलीगेटेड तलाक को ही माना, वैलिड तलाक माना जाता है। सुन्नी में एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, कंटीजेंट, कंस्ट्रक्टिव एंड डेलीगेटेड तलाक, हर तरीके के तलाक को वैलिड माना जाता है। दो तरह के तलाक होते हैं, तलाकुल बिद्दत, तलाकुल सुन्नत, तलाक एक्सप्रेस तलाक में। तो तलाक सुन्नी लॉ में क्या, तलाक में भी गिवन ओरली और इन द राइटिंग। आप सुन्नी है अगर तो आप तलाक दोनों तरीके से दे सकते हैं। अगर आपको लिख के देने का मन है तो आप तलाकनामा दीजिए, नहीं तो आप ओरली बोल सकते हैं जैसे अक्सर होता है। पर सिया क्या है, सिया में तलाक जो है हस्बैंड को ओरली ही देना पड़ता है, वो राइटिंग में नहीं दे सकते हैं अनटिल अनलेस ही इज़ इनकैपेबल ऑफ प्रोनाउंसिंग इट। ये इसलिए है क्योंकि जो सिया लॉ है वो नहीं चाहता कि उनके जो आदमी है, मुस्लिम मैन है, वो तलाक को इतना फ्रीक्वेंटली दे। थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाहता था उनको, इसलिए इतने सारे कंडीशन उसने तलाक में डाले हैं। शादी के समय उसने नहीं डाले हैं, पर तलाक के समय कुछ कंडीशन उन्होंने डाल दी है। जैसे कि सुन्नी लॉ में नो विटनेस आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग तलाक। तलाक जब आप दे रहे तो हस्बैंड वाइफ है वहाँ पे, वो सफिशियंट है। हस्बैंड ने वाइफ को तलाक दिया, अगर नहीं भी है तो फ़ोन पे भी तलाक दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें सुन्नी लॉ में है, उनके लिए कोई विटनेस नहीं चाहिए कि हाँ मैंने देखा, मेरे सामने ही तुमने तलाक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पर शिया लॉ में प्रेजेंस ऑफ टू मेल विटनेस इज नेसेसरी, दो मेल विटनेस के सामने ही आप तलाक दे सकते हैं। जबकि शादी में इनके कोई विटनेस नहीं चाहिए था। सुन्नी लॉ में शादी में विटनेस चाहिए था, टू मेल, और अगर टू मेल नहीं है तो एक मेल और टू फीमेल चाहिए था उन्हें, पर तलाक में नहीं चाहिए सुन्नी लॉ। पर शिया लॉ में विटनेस इज मस्ट व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग ए तलाक। सुन्नी लॉ में तलाक देने के समय आपका इंटेंशन नेसेसरी नहीं है। आप इंटॉक्सिकेशन में, कंपल्शन में कैसे भी तलाक दे दें, वो वैलिड माना जाता है, पर सुन्नी लॉ शिया लॉ में नहीं है। अगर आप इंटॉक्सिकेशन में, कंपल्शन में, उस तलाक को तलाक नहीं माना जाता है। तलाक सुन्नी रिकॉग्नाइज तलाक उल सुन्नत, सुन्नत है तलाक उल बिद्दत बोथ, पर शिया परमिट्स ओनली तलाक उल सुन्नत, दैट एक्सप्रेस फॉर्म को ही वो कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सुन्नी और सिया लॉ के तलाक के डिफरेंस बहुत काफ़ी है, स्ट्रिक्ट है। सिया लॉ जो है वो स्ट्रिक्ट है तलाक को लेके और मैरिज को लेके, थोड़ा ढीला है, टेम्प्रोरी मैरिज भी अलाउ करता है। पर सुन्नी लॉ है जो वो मैरिज के समय थोड़ा स्ट्रिक्ट है, पर तलाक के समय बहुत थोड़ी सी रिलैक्सेशन उन्होंने दे रखी है कि हर तरह के तलाक को भी मान रहे हैं। पर आपको मैं बता दूँ, तलाकुल बिद्दत जो है, ट्रिपल तलाक, उनका जो एक फॉर्म है ट्रिपल तलाक, तलाकुल बिद्दत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना करार दे दिया है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट बोल दिया है इसे, और अभी ये इनवैलिड है इंडिया में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया है तलाकुल बिद्दत को। अगर कोई देता है तो उसके लिए प्रॉपर प्रोविज़न बनाया गया है पनिशमेंट के लिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने अपने हिसाब से सारा कुछ आपको डिफ़ाइन कर दिया है इसमें, डिफ़ाइन कर दिया है कि क्या है क्या नहीं है। और आपको कोई अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चंस है आपके मन में, कोई डाउट है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।